वेलकम टू ई लर्निंग हब। सो दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द UGC नेट पेपर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। पार्ट वन में भी जो UGC नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे वो थे, तो इन दिस पार्ट आई विल अगेन डिस्कस द लास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सारे के सारे क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं तो इट विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक पार्ट वन में थे, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास ए टीचर शुड, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन December 13। ऑप्शंस हैं, अगर क्लास में डिस्टर्बेंस है वाइल डिलीवरिंग लेक्चर टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कीप क्वाइट फॉर ए वाइल एंड देन कंटिन्यू। ऑप्शन बी पुनिश दोज कोजिंग डिस्टर्बेंस। ऑप्शन सी मोटिवेट टू टीच दोज कोजिंग डिस्टर्बेंस। ऑप्शन डी नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। इसका राइट आंसर है while delivering lecture if there is some disturbance in the class a teacher should motivate teach those causing disturbance, जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो पढ़े। नेक्स्ट अफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन ये आया था December 13 में। अफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, ऑप्शन है टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। अफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, द राइट आंसर इज अफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑप्शन सी टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, क्वेश्चन ये आया था December 13 में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, ऑप्शन हैं एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट, इंकल्केशन ऑफ नॉलेज। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट CIET स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आया था December 13 में। CIET स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन हैं सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवेल्यूएशन टेक्निक। तो CIET स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर CIET स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन, December 13 में आया था ये क्वेश्चन। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन, ऑप्शन हैं provide information to students, option b promote self learning in students, option c encourage healthy competition among students, option d help students to solve their problem। so teacher's role at higher education, kya hai teacher ka role higher education mein, ki you must promote self learning in students, option b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन December 13, गुड टीचर मस्ट बी, ऑप्शंस हैं रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, ऑप्शन सी है रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव, ऑप्शन डी है रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट। ए गुड टीचर मस्ट बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी resourceful and participative। next question, question number 32, which one of the following is the best method of
टीचर, बेस्ट मेथड कौन सा? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। सो द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑप्शन सी, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन असेसिस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। कौन सी इवेल्युएशन है जो कंटिन्यूस फीडबैक देती है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जिसकी हेल्प से लर्निंग की प्रोग्रेस को असेस किया जाता है? ऑप्शन है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, सम्मेटिव इवेल्युएशन। द राइट आंसर इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन असेसिस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय ए टीचर फॉर पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ। क्वेश्चन ये आया था जून 13 में। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय ए टीचर फॉर ऑप्शन सी, राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज दे, प्राइमरी स्कूल की स्टेज पे ज़्यादातर टीचर्स वुमेन होने चाहिए क्यों? ऑप्शंस हैं, कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, नो, बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन। ऑप्शन सी, आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरी। ऑप्शन डी, कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वुमेन बिकॉज दे कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड, ये क्वेश्चन आया था जून 13 में। ऑप्शन हैं, टीचर शुड यूज डायग्राम्स इन टीचिंग, स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास, नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, इसका मतलब टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, क्वेश्चन है दिसंबर 12 में। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव ऑप्शंस हैं, एबिलिटी टू लर्न ओनली, रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न ओनली, डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, द राइट आंसर इज, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 38, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी कैसा होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक होना चाहिए या स्टूडेंट सेंट्रिक या जर्नल या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन आया था, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी
ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, कौन सा बेस्ट मेथड है टीचिंग का? दिसंबर 12 में क्वेश्चन आया था। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, सुजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। तो राइट आंसर है इसका, क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, ऑप्शंस हैं आपके सामने, सोचिए कौन सा सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, ऑप्शंस हैं इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, सुजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। द राइट आंसर इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू ऑप्शन बी, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस देखो, मैंने ईयर भी मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चंस कौन से ईयर में आया था, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंट्रैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। अगेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिसंबर 12। इंट्रैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, ऑप्शंस हैं आर्ग्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कंट्रोवर्सी। इंट्रैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, क्लासरूम में इंट्रैक्शन है तो उससे क्या जनरेट होना चाहिए? इंट्रैक्शन करने से, द इंट्रैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट आइडियाज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस पार्ट में इतना ही है, इस पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 25 क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर में आए थे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।